पता है लोग जब प्यार में धोखा खाते हैं तो उनका विश्वास पूरी दुनिया से मिट जाता है, लेकिन मेरे केस में ऐसा है कि जब मैं फिल्मों से धोखा खा लेता हूँ ना, मेरे लिए दुनिया ही खत्म हो जाती है। इसकी माँ का जो ट्रॉमा मिल जाता है ना कि जिस फिल्म का तुमने इतना वेट किया, इतना इंतजार किया और वो बेकार निकली, तो भाई सब खत्म। अब कल का ही केस देख लो, कंगवा मूवी देखने के बाद मेरे को पूरा दिन लीवर में हेडेक हुआ और आज के दिन पे मैंने देखकर आ गई विक्रांत मौसी की फिल्म साबरमती रिपोर्ट। अब देखो ये फिल्म 2002 के गोधरा कांड पर बेस्ड है, जो बहुत ही हॉरिफाइंग इंसिडेंट था, तो मुझे लगा साबरमती रिपोर्ट के मेकर उस सेंसिटिविटी का ध्यान रखते हुए फिल्म बनाएंगे। बट भाई साहब ये फिल्म एकता कपूर कंपनी की है, जिस पे मेरे को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। मेरे को आज भी याद है जब इसी कंपनी की फिल्म जजमेंटल है क्या आई थी, तब कंगना रनौत का मीडिया पर्सन के साथ वो जो स्टंट था वो आज भी सबको याद रहेगा। सेम वे आज जब साबरमती रिपोर्ट ये फिल्म आई, तो इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान कंगना रनौत के एक हाथ के कंगन विक्रांत मैसी, जिनके पुराने ट्वीट्स एंड ऑल हम जानते ही है कि आदमी कितना एंटी हिंदू था, लेकिन अब अचानक से 360 डिग्री पलटी मारते हैं एंड अचानक से सब चीज इनको अच्छा लग रहा है, प्रेस करने लग गए। हाल ही में इन्होंने एक स्टेटमेंट में इतनी बड़ी एक्टिंग दिखा दी जो पूरे 12वीं फिल्म मूवी में भी नहीं की थी, जहां पर इन्होंने बोला कि भाई पहले मैं बीजेपी को बहुत क्रिटिसाइज करता था, लेकिन जब मैंने पूरा देश घूमा तो मुझे लगा कि यार मैं जैसा सोचता था वैसा बिल्कुल नहीं है। अबे विक्रांत भाई, इसका मतलब ये है कि पहले जब आप देश घूमते थे तब आप जनरल डब्बा में ट्रैवल करते थे एंड अब आप देश घूम रहे हो तो आप थर्ड एसी में ट्रैवल कर रहे हो। हैट्स ऑफ मैन, बंदे की एक्टिंग में इतना डेडिकेशन दिखता है जो पॉडकास्ट तक में छलक जाता है। खैर अपने को क्या लेना देना, लेकिन आपको लेना देना है प्लीज सब्सक्राइब कर दो, आपको मैं और भी धमाकेदार बातें बताता हूँ। एनीवेज, अगर मैं बिना टाइम खोटी मुंह में गोटी किए हुए साबरमती रिपोर्ट इस फिल्म को एक लाइन में रिपोर्ट करूं तो इतना ही कहूंगा कि इट्स अ बैडली मेड फिल्म ऑन गोधरा कांड। अबे बच्ची, यू वोंट बिलीव, दे लिटरली एडेड सॉन्ग्स, क्रिंज कॉमेडी, हंड्रेड्स ऑफ लाउड बीजीएम टू सच सेंसिटिव टॉपिक। साला सोचने वाली बात है कि साबरमती इंसिडेंट इतना बड़ा था एंड इतना मिस्टीरियस था कि इसके लिए 3 घंटे की फिल्म भी कम पड़े, लेकिन यहाँ पर तो भाई अलग ही बकचोदी चल रही है। अभी विक्रांत मौसी और राशि खन्ना अलग ही फ्लर्ट कर रहे कि आग लगे बस्ती में हम तो रहे मस्ती में। एक तो फिल्म ऑलरेडी नकली लग रही है, ऊपर से सीरियस सीन्स में फालतू के डायलॉग्स कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे। एक जगह विक्रांत मौसी बोलते कि एक बार जब मैंने मेरे भाइयों को कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद कर दी, बस कर दी। वाह भाई भाई भाई, क्या कॉमेडी कर दिए भाई, 12वीं फेल लग गए तुम। आधी पिक्चर तो तुम विक्रांत भाई को अलग ही कबीर सिंह बनाए फिर रहे एंड ऊपर से दूसरी तरफ तुम हिंदी इंग्लिश का अलग बैटल दिखा रहे लैंग्वेजेस का, जिसका गोधरा कांड से कोई लेना देना ही नहीं। अब मेरा इतना ओपिनियन सुन के अब तक तो आपने कमेंट में कर दिया रहेगा तू लेफ्ट विंग है, राइट विंग है, ये है वो है। मैं बताऊं आप लोग को भाई, एजेंडा प्रोपेगेंडा लेफ्ट विंग राइट विंग ये सबको मैंने साइड में रख के देखा तो भी फिल्म टेक्निकली बहुत गंदी है भाई, ऐसी फिल्म बनती ही नहीं, कसम से बोल रहा हूं। दिस वॉज हार्ट ब्रेकिंग, ये बस पैसा बनाने का स्कीम था क्योंकि पूरी फिल्म ये लोग ने मजाक बना दिया। अबे हमको फिल्म सीरियस कैसे लगेगी जब हर सीन के पीछे तुम ट्रांस म्यूजिक बजा रहे हो, इनफैक्ट क्लाइमेक्स में तो तुम रैप सॉन्ग डाल दिए, तब भी मैं सोचूं इस फिल्म का पहला वाला डायरेक्टर ने ये फिल्म क्यों छोड़ दिया। अबे इससे अच्छा तुम वो यूट्यूबर नितेश राजपूत की मदद लेके फिल्म करते ना तो ये ढोंग नहीं रचना पड़ता, अच्छी फिल्म बन के निकलती। अब परफॉर्मेंस की बात करूं तो आपको एकता कपूर सीरियल वाइब मिल जाएगा, जहां पर विक्रांत मैसी अलग ही एक ननद का रोल प्ले कर रहे एंड राशि खन्ना तो अलग ही देवरानी बनी है, वही रिद्धि डोंगरा तो विदेशी बहू लग रही है। ऑनेस्टली मैंने सोचा था कि गोधरा इंसिडेंट पे फिल्म है तो यार मैं इंटरेस्टेड हूं, एटलीस्ट हार्ड हिटिंग फिल्म लगेगी, लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये मेकर्स खुद वो 59 जान के बारे में नहीं सोचे यार, वो एक क्या बनाए यार। खैर बताओ यार, मैं तो इतना ही सोचूंगा कि साबरमती रिपोर्ट ऐसी कोई फिल्म आई नहीं थी, बस यही सोचूंगा। बाकी दूसरी तरफ तो यार कुछ कपल्स आए थे जो साले खाली थिएटर में भी सीट ढूंढ रहे थे, मैं बोला भाई तुमको तो एक अलग से अवार्ड देना चाहिए। बाकी मैं फिल्म को दूंगा 1 out of 5 star, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब कर दो भाई, तुम्हारा भाई बीमार पड़ रहा है ऐसे ऐसे फिल्में देख देख के यार, सब्सक्राइब कर दो, मिलते अगले वीडियो में, बाय।